बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने अमिताभ वाजपेयी के समर्थन में किया रोड शो। जहां एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने दावेदारों को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरी हैं, वहीं कानपुर नगर की आर्य नगर विधानसभा सीट पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक जहां रोड शो करते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ दिन पूर्व भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने अपने प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए भी रोड शो किया था। वहीं सपा प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी के समर्थन में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने भी आज आर्य नगर विधानसभा में रोड शो किया। अमीषा पटेल की एक झलक के लिए सड़कों पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ देखने को मिली। अब ऐसे में सियासत किस ओर करवट लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। कानपुर से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने दावेदारों को मजबूत करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। तीसरे चरण के मतदान से पहले कानपुर चुनावी रण का मुख्य बिंदु बन चुका है। कहीं ना कहीं कानपुर की 10 विधानसभा सीटों में से दो विधानसभा सीटें सीसाम और आर नगर विधानसभा सीट का सियासी पारा उछाल मार रहा है। कुछ दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह अपने प्रत्याशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए रोड शो करते नजर आए थे। अब वहीं सपा से प्रत्याशी वर्तमान विधायक अमिताभ वाजपेयी के समर्थन में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने भी आज रोड शो किया है। अब ऐसे में सियासत किस ओर करवट लेती है, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट उज्ज्वल चतुर्वेदी के साथ संदीप कुमार, HNTV कानपुर।